Obviously, क्योंकि बहुत करीब है T20 World Cup, तो कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले पहले एक पूल बना लें लड़कों का, और जो जो लड़के T20 में PSL में पिछले मैच उन्होंने परफॉर्म किया है और जो जो स्लॉट्स खाली हैं वहाँ पे इनको चेक कर लें वर्ल्ड कप से पहले कि किसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये अच्छी फॉर्म में भी हैं, अहमद ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, उमर अकमल ने पिछले साल हर फॉर्मेट में स्पेशली T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, फहीम जितनी भी देर खेलता रहा है T20 क्रिकेट उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है, इफ्तिखार को एज ए यूटिलिटी प्लेयर देख रहे हैं कि जो एक हमारे पास बीच में गैप आता है कि अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स क्योंकि ऑफ स्पिनर नहीं है तो वो भी, और साथ हमारे जैसे पाँचवें छठे नंबर पे एज ए फिनिशर जो उसने कराची किंग्स के लिए भी किया तो सेंसिबल बैट्समैन है तो उसको भी देख रहे हैं कि वो कैसे फिट इन हो सकता है टीम में, तो ओवरऑल मेरे ख्याल में सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली ये T20 ऐसा फॉर्मेट है, पाकिस्तान टीम नंबर वन है, लेकिन छोटे फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि इनएक्सपीरियंस लाइनअप है उनकी बैटिंग में, बट बॉलिंग लाइनअप उनकी ठीक है, तो उसमें कोई भी बैट्समैन आपको एक अच्छी इनिंग सरप्राइज कर सकती है, तो आप किसी को लाइट नहीं ले सकते। जिस तरह की वो टीम है श्रीलंका, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम, उनकी सारे प्लेयर्स के साथ भी नहीं है, तो आई थिंक डेंजरस टीम है और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने मैक्सिमम जो हमारा पोटेंशियल है उस पर खेलें। देखें मकसद तो यही है ना हमारा कि हम इन सारे प्लेयर्स को अच्छे तरीके से एवेल्युएशन इनकी कर लें कि हाँ कौन सा प्लेयर हमें कहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। ऑब्वियसली मलिक और हफीज़ का हमें पता है, उनकी जो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं उनका भी हमें पता है, उनकी कैपेबिलिटी का भी पता है, तो इन सब को देखने के बाद, उनको भी देखने के बाद हमारे पास एक पूल होगा वर्ल्ड कप से पहले जो कि हमें हेल्पफुल होगा हमारे लिए कि हाँ जी अब कौन सी टीम हमारी जो बेस्ट टीम कौन सी बन गई। अच्छा बॉलिंग अटैक है, मेरे ख्याल में यही लड़के हैं जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए आए हैं, ज़ाहिर है आमिर वहाब एक्सपीरियंस हैं, शनवारी को लिया है, देखते हैं उसको, उसने पहले मैच में जिस तरह की बॉलिंग की, शादाब और इमाद खेलते हुए आ रहे हैं, बैकअप हमें चाहिए था तो इसलिए नवाज़ को भी लिया, उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी अभी भी जो पहला मैच भी वो खेला उसमें उसे 100 भी किया हुआ है, और वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, PSL में अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, तो लेट्स सी उसको भी चांस दे के देखते हैं कि हाँ जी हमारे पास एक बैकअप हो स्पेशली उस स्लॉट में कि जो बॉलिंग भी कर सकता हो और बैटिंग भी कर सकता। मेरे ख्याल में इंजॉय करें, T20 क्रिकेट का एक डिफरेंट जो है वो टेस्ट होता है, एटमोसफियर, लोग इसको पसंद भी करते हैं, कम एंड सपोर्ट बोथ टीम, इंजॉय करें क्रिकेट को, और मेरे ख्याल में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे, होपफुली इंशाल्लाह अच्छे मैचेस भी होंगे और अच्छा एटमोसफियर देखने को मिलेगा, और क्राउड से ये है कि आए देखें क्रिकेट को, एंजॉय करें और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें।